तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। अपने में आज हम डिस्कस करने वाले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक में देखें तो आज के दिन 15 रुपए 60 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 7% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा ऊपरी लेवल पर गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि यही स्टॉक थे मिड कैप और स्मॉल कैप जहां पर एक बड़ी रैली देखने को मिली है। अब इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक टॉप बना 223 रुपीज। 223 रुपीस का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप लगाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक में नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो अराउंड 192 रुपीस पर है। 192 रुपीस के स्टॉक में के सपोर्ट लेवल है, क्योंकि काफी टाइम से स्टॉक कई बार सेम प्राइस टच करने के बाद स्टॉक में एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। अब अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 195 रुपीस के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 225 रुपीस के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 195 रुपीस से ऊपर रहता है स्टॉक में एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, परंतु अगर स्टॉक 195 रुपीस के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक का जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो 180 रुपीस इस पॉइंट पर देखने को मिलेगा। पर इस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वहां पर ये स्टॉक काफी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न्स बना के देगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।